अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रिसेंटली मैं गई थी हैदराबाद और वहाँ पे मैंने इस डेज़र्ट को खाया, मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। यह है हैदराबाद का स्पेशल शहतूत मलाई। चलिए देख लेते हैं इस आसान से डेज़र्ट की रेसिपी। यह है शहतूत, इस डेज़र्ट का मेन इंग्रेडिएंट। इसका कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर वाला होता है। इसको इंग्लिश में मलबेरी भी कहते हैं। इसको मैंने हैदराबाद में ही देखा था और किसी शहर में देखा नहीं है अभी तक। आपको कहीं पे मिल जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कुल मिला के ये जो शहतूत है मैंने लिए हैं 100 ग्राम्स। इन बेरीज़ को मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धो के रख लिया है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अमूल फ्रेश क्रीम। ये 250 ml का पैक है, इसको मैं पूरा का पूरा ले रही हूँ। अब क्रीम को एक विस्कर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे जिससे क्रीम में थोड़ा सा फ्लफीनेस आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टिन कंडेंस मिल्क। मैंने विदेशी ब्रांड का ही कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का। आप भी ऐसा मत कीजिए, देसी ब्रांड का ही कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कीजिए। कंडेंस्ड मिल्क को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क को विस्कर की मदद से फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे जिससे दोनों में ही लाइटनेस और फ्लफीनेस आ जाए। बस इतनी सी प्रिपरेशन हमें करनी है और मिनटों में हमारा डेजर्ट तैयार हो जाएगा। इतनी क्वांटिटी में करीब 4 से 5 बाउल्स हमारे डेजर्ट के तैयार हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने 3 बाउल्स को लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शहतूत या मलबेरी। इसका भी ऐसा ही है, आपको अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हो, अगर कम चाहिए तो कम भी कर सकते हो। मैंने करीब 2-2 टेबल स्पून जितना डाला है। इस डेज़र्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि शहतूत को ही यूज़ करना है, यानी मलबेरी को ही यूज़ करना है। आप चाहो तो कोई भी सीजनल फ्रेश फ्रूट्स को भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें जो हमारा फ्रेश क्रीम मिल्कमेड का जो मिक्स है इसमें ऐड करते जाएंगे। ये भी मुझे 2 टेबल स्पून जितना इनफ लग रहा था, मैंने इतना ही डाला है। अगर आपको पसंद है तो और थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। बस इतने से ही हमारा मज़ेदार डेज़र्ट तैयार हो गया है। अब मैं इस पे टॉपिंग करूँगी घर की बनाई हुई रबड़ी से, इंस्टेंट रबड़ी से। इसकी भी मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है। अगर आप चाहो तो घर की जमाई हुई मलाई भी इसके ऊपर टॉपिंग दे सकते हो, या फिर प्लेन वेनिला फ्लेवर वाला आइसक्रीम भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा करके चिल्ड सर्व करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको मलबेरीज मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी आप फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं होप करती हूँ ये वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।